हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो पे। तो आज इसकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, ये जो दो ट्रेंडिंग टॉपिक है, लॉल्स वाले हैकर है कि नहीं, जो एनएसए की उसके ऊपर जो एक ब्लेम लगा रहे हैं, क्या सही है कि नहीं है, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर लाइक डायनमो, कॉस्मिक, पीके, ये सब क्या हैक यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे हैक्स यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्ले कैप्चर करने के बाद भी कैसे हैक्स यूज़ करते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। लेकिन ऑल्सो हम लोग कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की भी ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी से मैं दूर रहता हूँ, और इसको मिटाने की भी ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए एकदम अंत तक। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले, एक भी लॉजिक मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर एक भी लॉजिक मिस कर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा वीडियो में क्या चल रहा है। ठीक है, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये देखो भाई, एनएचआर ने बोला कि ये जो बी एल ऑल्स है उन्हें मतलब क्या करते हैं। इस वीडियो में उसने एक वीडियो लेटली अपलोड किया था, तो उसमें इसने बोला, उसने इस वीडियो में बोला है कि ये जो बी एल ऑल्स है ना, वो अनैन मतलब क्या करता है, जैसे पूजा करती थी, पूजा हैक करते हुए पकड़ी ए एस पी यूज़ करती थी। तो ये भी बंदा बोलता है कि ये लॉल्स गेमिंग भी ए एस पी यूज़ करता है और अनैन मतलब क्या करता है। तो बंदा क्या लॉल्स कैसा है, लॉन्स जो लॉल्स गेमर है ना, वो बहुत ही तगड़ा गेम खेलता है, उसका 5.5 का केडी है पबजी मोबाइल में। और हाँ, देखने से लगता है कि हाँ शायद ESP यूज़ करता हो, सस्पिशियस लगता है मेरे को भी, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। सो उसने उसी का रिप्लाई दे के ये वीडियो बनाया कि भाई मैं हैक्स यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डिस्प्ले कैप्चर करता हूँ। एंड देन अगेन ये लाइक मेरा जो हैवी नैन मेटा का है ना, वो सिर्फ मेरा हैबिचुअल है, क्योंकि दो एक वीडियो का क्लिप डाला पबजी पिसी लाइट का भी, तो उसमें भी उसने ऐसे स्ट्रीम करते हुए तक रैंडमली मतलब आई मीन इस वीडियो में उसने ये नैन मेटा का किया। तो मैं भी थोड़ा कन्विंस हो गया कि हाँ शायद उसका हैबिचुअल है, वो नैन मेटा का जो करता है वो शायद सही, आई मीन उसके हैबिचुअल है। देखो उसका गेम प्ले तगड़ा है, तो सस्पेंस मतलब हो गया, ऑफकोर्स होगा ना, इतना तगड़ा खेलते हैं तो डाउट तो होगा ही सबको, कोई बात नहीं, मतलब कॉमन सी बात है। तो एनएसआर ने नेक्स्ट और कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया, उसके क्लैन के बंदे डिस्कस कर रहे थे डिस्कॉर्ड पे। पता नहीं मेरे को, पता नहीं इसको ये स्क्रीनशॉट कहाँ से मिला, बट मैं बोल रहा हूँ इस पर जो लिखा है मैं ऐसे ही बोल के देता हूँ मुँह से। इसमें बोल रहे हैं हाँ, मुझे मुझे का बैन हुआ ना एम्बोट लगाने पर, किसी का बैन हुआ है एम्बोट लगाने पर, 10 ईयर्स का बैन हो चुका है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अभी उसको चलाना नहीं आता है, और नया मॉडिफाइड है सम रूल्स थे कुछ, मतलब नया हैक्स आ रहा है तो यूज़ करेगा, ऐसा कुछ हैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये लोग हैक्स यूज़ कर रहे हैं, यही प्रूव करने के लिए उसने ये स्क्रीनशॉट दिया है। तो उसको रिप्लाई देते हुए इसने कुछ भी वीडियो बनाया नहीं अभी तक, यही लास्ट वीडियो बनाया था और कुछ भी वीडियो बनाया नहीं। ठीक है, इसको ये सिर्फ वीडियो वीडियो बताने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ, अब ये गेमिंग इंडियन जो गेमिंग कम्युनिटी है ना, ये मीन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी गेम खेल ही नहीं रहा है, ये खेल रहे ब्लेम वाला गेम। ठीक है, नाम का पबजी कर रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, अपना पैसा पेट भर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे ये लोग, ब्लेम ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी चैनल ब्लेम करके ऊपर उठ जा रहे हैं, और ये लोग फिर से रिप्लाई दे रहे, फिर से ऊपर ये करेगा, यही सब चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी नीचे जा रहा है। अगर देखो व्यूअर्स भी रहेगा, डायनेमो का व्यूअर्स भी रह सकता है, पता नहीं है इतने तक हो भी सके, क्योंकि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, शायद अभी जितने तक बक रहा हूँ इधर तक कोई देखने आया नहीं हो, आधा देख के शायद चला गया होगा। ठीक है, तो जो भी बंदे इधर तक देख रहे हैं, शुक्रिया अदा करूँगा, और उन लोगों को बोलूँगा कि जाओ उन लोगों के चैट पर जाओ, बोलो कि डुअल कैमरा सेटअप लगाओ, हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को थोपरा देखने में। ठीक है, आप लोग का गेम प्ले देखने चाहते हैं, आप लोग गेम दिखाओ, और हैक्स अगर यूज़ नहीं कर रहे हो डुअल सेटअप दिखाओ। ये भी दो काम होगा, अगर वो हैक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट बोला अच्छा ठीक है अपने से ही बोला डुअल कैमरा सेटअप कर लेते हैं, ना रहेगा ये सब झंझट, कंट्रोवर्सी तो उठेगा ही नहीं। देखो कंट्रोवर्सी उठने से क्या होता है, एक तो बंदा जो रियल गेमर्स होता है, अगर उसको हैकर्स बोलोगे वो लोग डिप्रेस हो जाता है, अगर डिप्रेस हो जाएगा तो उन लोगों का जो गेम होता है ना, गेम प्ले में फ़र्क आएगा, गेम प्ले में ध्यान नहीं दे पाएगा, उसका दिमाग में यही मतलब चलता रहेगा कि कैसे यार मेरा नाम भी ये आ गया, अरे यार इसको कैसे हटाए कैसे हटाए, वो मतलब मेंटली डिस्टर्ब होता जाएगा कि नहीं। तो हम लोग गेमिंग कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन निकलना होगा ना। कोई कंट्रोवर्सी चैनल ऐसा नहीं बोलेगा क्योंकि डुअल कैमरा सेटअप लगाओ, क्योंकि उन लोगों को कंटेंट नहीं मिलेगा। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को मतलब परवाह किसका है, किसी को भी नहीं है, बस कंटेंट चाहिए, अपना चैनल चाहिए, पैसा चाहिए, व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, बस यही चाहिए। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा डुअल मतलब डुअल कैमरा सेटअप लगाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लोग जाओ, क्योंकि मैं बोलने से नहीं होगा, मैं अकेला इंसान हूँ, लेकिन आप लोग अगर साथ दोगे तो ये हो सकता है। मेरे को पता है आप बीए के फैंस है, रोल्स का फैंस है, डायनेमो का फैंस है, क्रॉन्टन का फैंस है, आप लोग भी नहीं चाहते होंगे कि बेवजह उन लोग के ऊपर कोई उंगली करे, है कि नहीं। तो आप लोग जाओ छत पे जाओ, बोलो कि आप लोग डुअल सेटअप करो, एटलीस्ट फेस नहीं करने से भी सेटअप अपना एक कैमरा लगा के सेटअप दिखाओ, ऐसे स्ट्रीम करो, कोई हैकर का नाम ही नहीं लेगा अगर वो हैक नहीं कर रहा है तो। ठीक है,
और अगर हैक्स कर भी रहा होगा वो लोग मना कर देगा, ड्यूएल सेटअप लगाने को मना कर देगा, और नहीं तो प्रेशर में आके लगा भी लेकिन उनका गेम प्ले जो है ना पहले जैसे 10-12 किल कर रहा था तो उसका किल खत के कितना हो जाएगा, 2-3 किल, क्योंकि उन लोगों के पास हैक नहीं रहेगा ड्यूएल सेटअप रहने से, ड्यूएल जो कैमरा सेटअप रहेगा या सिंगल जो कैमरा डिस्प्ले पे जो सेटअप कैमरा रखेगा उसके वजह से हैक पकड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कोई बोल सकता है कि मैं तो डिस्प्ले कैप्चर करता हूँ, मैं कैमरा क्यों लगाऊँ। हर कोई आप लोगों को चुटिया बना जा रहा है कि डिस्प्ले कैप्चर करके हम लोग करने से हैक्स नहीं होता है, हैक्स होता है। आप लोग फ्यूज़ दे रहे हो, अपना डाटा खर्चा करके फ्यूज़ दे रहे हो, आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग जो देख रहे हो वो रियल हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे यूट्यूबर है मेरे जैसे आपके जैसे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन लोगों का गेम प्ले भी बहुत तगड़ा है लेकिन उन लोग के पास हैक्स करने के पैसा नहीं होते हैं। उन लोग इतना भी अभी ये लोग तो जितना 5-5 KD लेके बैठे हुए, इतना 5 KD तो है नहीं, किसी का है नहीं, इसलिए नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, तो प्रूफ करो ना, डुअल कैमरा लगाओ प्रूफ करो। छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, उन लोगों को व्यूज़ नहीं मिल रहे, एटलीस्ट ऐसा करने से उन लोगों का जो होगा ना, अगर हैक कर रहा है, जो हैक कर रहा है उसको हैक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उन लोगों का गेम प्ले सही होगा, जो छोटे छोटे यूट्यूबर उन लोगों को भी ग्रोथ करने का मौका मिल जाएगा, तो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी ऐसा ही ऊपर जाएगा। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करना है कि जो हो गया हो गया, अगर कोई हैक कर रहा है जो हो गया उसको भी हम मिटा नहीं सकते, अभी उसमें कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करके कुछ फ़ायदा भी नहीं है। ना सर को बोलना चाहता हूँ, तूने खुद हैक किया था, ठीक है, तूने खुद हैक करके सब्सक्राइबर गेन कर लिया, अभी क्या भोला भोला बन रहा है तू, और अभी इन लोग को क्या तू ये करेगा, एक्सपोज करेगा भाई। तू भी तो वही किया ना, हैक करके सब्सक्राइबर गेन कर लिया, फैमिली नेम फेम कमा लिया, अभी तो तेरा रीचिंग बहुत है तो तू वीडियोज़ बनाएगा, दूसरा का नाम लेके तू ऊपर जाएगा, नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता है। पहले तू देख तू कौन कौन सी रास्ता से आया है। ठीक है, तू जो कर रहा है गलत है, ये लोग अगर जो कर रहा है गलत है, अगर हैक्स यूज़ भी कर रहे हैं अगर गलत है तू भी गलत है, तेरे को कोई राइट नहीं है कि उन लोगों के ऊपर उंगली डाले। हाँ राइट होता अगर तू सही होता, सही बंदा नहीं है मेरे तरफ से, तू भी सही बंदा नहीं है ना सर, क्यों मैं तेरे को डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तू भी सही बंदा नहीं है। ठीक है, वंस ए हैकर ऑलवेज ए हैकर। ठीक है, तू ठीक है सही हो सकता है, हैक नहीं भी कर सकता है, लेकिन इन लोग के ऊपर उंगली प्लीज मत कर, क्योंकि तू हैकर था एक टाइम तू भी हैकर था। तो अभी आते हैं BLOLs में भाई, देख तू ऐसा रिप्लाई देकर कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो उसका फ़ैन है उसको ही सपोर्ट करेगा, जो तेरा फ़ैन है तेरे को ही सपोर्ट करेगा, ये सब कुछ मतलब नहीं बनता है। ये सब तो स्टोरी वोरी बना के मैं भी बना सकता हूँ, एटलीस्ट हैकर अगर तू नहीं है, 12 सेटअप लगा मैं तेरे को सैलेंस करता हूँ, अगर नहीं है ऐसे गेम तगड़ा गेम प्ले दिखा तो क्या होगा, NHR के मुँह पे दंड गिर जाएगा। ठीक है, उसका मुँह बंद हो जाएगा, ऐसे गेम तगड़ा गेम प्ले दिखा, अगर तू हैक कर रहा है ना तो फंसेगा, दिखा कि उसके मुँह में मुंह बंद करना है, और मतलब तू तो तू 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 बोल रहा है कि लाइक तू तो अच्छा खेलता है, तेरा एक गेम प्ले नेचुरल है। ठीक है, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, हाथ से दिखा दे, और दानिमु भाई को, कॉन्ट्रेंट भाई को, सबको बोल रहा हूँ यार, जो जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, 12 कैमरा सेटअप लगाओ ड्रेको भाई के जैसा, अगर आप हैक्स यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर इसमें मैं कुछ गलत बोला ना भाई लोग, तो कमेंट में आके मेरे को गाली दो, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने जो बोला मेरे को लगा मैंने सही बोला। ऐसे करेगा ना तो कोई भी सांस नहीं मिलेगा, ब्लेम देने को सांस नहीं मिलेगा, जो सच है वही निकल के आएगा। अगर वो बंदा हैकर है पकड़ा जाएगा, अगर हैकर नहीं है तो वो सही है, उसका गेम प्ले सही रहेगा, और जो मना करेगा वो तो पता ही है, जो मना मना कौन करेगा भाई, अगर उसके पास वो बोलेगा 2000 का पैसा नहीं है, इतने बड़े 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 यूट्यूबर के पास अगर 2000 खर्चा करने का पैसा नहीं है, जाओ उन लोगों के चैट पर बोलो, जिनेक्स गेमिंग नाम का एक चैनल है, मेरा डिस्कॉर्ड चैनल पर आने दो यार, मैं दूंगा, डोनेट करूंगा, इतना लेता है 1200 रुपये का तो आता है एक, मैं डोनेट करूँगा, सबको डोनेट करूँ, सबको मीन्स जो जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, जिसका RTX ग्राफिक्स कार्ड रहता है, GTX 1080 Ti का ग्राफिक्स रहता है, डुअल डुअल एक्सट्रीमिंग पीसी रहता है, गेमिंग पीसी रहता है, उसको 1000 का पैसा नहीं होता, सुपर चैट आता है लेकिन 2000, 40000, 5000 का सुपर चैट आता है, लेकिन 1000 खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, उसको मैं दूंगा पैसा खरीदने के लिए, बुला के लेके आओ मेरे डिस्कॉर्ड पे लाओ, मैं बिल्कुल दूंगा, लिख के दे रहा हूँ, और ये फंडा जो है डिस्प्ले कैप्चर का मैं ला रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर इस वीडियो में मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स मिल गया। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को भी व्यूज़ चाहिए, बट ऐसा नहीं कि मैं कंट्रोवर्सी करके लाऊंगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ गेमिंग कम्युनिटी के लिए, मैं भी स्ट्रीम करता हूँ, मेरे व्यूज़ नहीं आता है फिर भी करता हूँ, मेरा दोस्त 48 आवर्स का स्ट्रीम करता है, 53 आवर्स का स्ट्रीम करता है, क्यों करता है, लेकिन उसको व्यूज़ नहीं मिल रहा है, बेचारा डिस्टर्ब हो, मैं भी उसके साथ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लैपटॉप है, मैं 48 आवर्स का नहीं कर सकता, मेरा स्ट्रीम जगह देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ, मेरे टेम्परेचर रहता है 97 डिग्री सेल्सियस, ऐसा रहता है, फिर भी कर रहा हूँ, हम लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन ऊपर ग्रो नहीं कर पा रहे, क्यों, कि बहुत सारे लोग हैक करके ऊपर बैठे हुए हैं, और वो लोग कभी बताएंगे भी नहीं कि, और हैक भी नहीं होगा क्योंकि पेड हैक्स है भाई, इतना तो हैक्स, इतना पैसा है उन लोग के पास, हैक्स तो खरीद ही लेगा ना, ऐसा होता है। अभी हिंद गेमिंग को भी देखो भाई, गेम का उसका हैक हो गया, दूसरा का आईडी खरीद के फिर से नाम चेंज कर लिया, पता नहीं चला किसी को, इनका HIND जो था HLND कर दिया, L का जो स्मॉल लेटर है ना उसको करके हिंद बना दिया, किसी को पता ही नहीं चला,
ऐसे चलते हैं आप लोग। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सेलेंस देता हूँ सबको, जाओ भाई व्यूअर्स लोग जाओ, जो भी अभी यहाँ तक देखा है मेरे वीडियो को देखा है जाके बोलो, अगर यहाँ तक आया है तो जाओ बोलो, डुअल सेटअप लगाओ, नहीं तो सिंगल सेटअप भी लगाओ, आप लोगों का फेस नहीं दिखना, अगर खरीदने का पैसा नहीं है फेस में ना डालो, डायरेक्ट सेटअप में डालो, आपका फेस देखने का कुछ क्या है, एक ही तो फेस है, शक्ल है, देख लिया एक बार, देख लिया हो गया बस, अभी नहीं दिखना है शक्ल, आप लोग अपना ये सेटअप ये दिखाई, सेटअप दिखाई स्क्रीन पूरा जो है, जैसे डेकू भाई का था पीछे का हेड दिखते हुए मैं फिर से दिखा दूंगा, पीछे से देखो, इसको मैं बड़ा करता हूँ, प्ले करता हूँ, देखो एज यू कैन सी उसका हेड भी दिख रहा है और उसका दो स्क्रीन भी देख रहा है, थोड़ा जूम करके लेफ्ट कॉर्नर में देख लियो, ऐसा करो, नहीं तो राइट ये हो जाता, ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो मेरे को ये आ जाएगा कॉपीराइट, ये आ जाएगा, चलो ऐसा करो, अगर दम है तो करो, अगर भाई आप लोग सही में चाहते हो इंडियन गेमिंग गेमिंग कम्युनिटी कुछ हो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर हो सके यार, मतलब बहुत कष्ट कर रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो यार हो सके तो, नहीं करने से भी मेरे को बुरा नहीं लगे, एटलीस्ट ये तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट जाके वीडियो को भी शेयर मत करो, एटलीस्ट वीडियो को देखने के बाद जाके एटलीस्ट बोल भी दो, ठीक है, एटलीस्ट इंडियन गेमिंग कम्युनिटी जो है उसका अच्छा हो, ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इस वीडियो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, हाँ कैसे डिस्प्ले कैसे करके आप लोग को छुट्टियाँ बना जा रहा है, मैं टारगेट करके बनाऊंगा कैसे हैक्स करते हैं लोग ऑन स्ट्रीम डिस्प्ले कैप्चर करके, इसी के ऊपर ला रहा हूँ, तो टिल देन बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलो।